हनुमान को अगर मदद मांगनी पड़े राम से तो फिर हनुमान काहे के और राम काहे के। चिराग, आपने चुनाव चुनाव के दौरान खुद को हनुमान कहा था और देश के एक बड़े नेता को राम कहा था। इस वक्त जब हनुमान मुसीबत में है तो क्या आप राम से मदद मांगे या किसी तरह की मदद की पेशकश की गई है? आपको लगता है कि मदद चाहिए? हनुमान को अगर मदद मांगनी पड़े राम से तो फिर हनुमान काहे के और राम काहे के। चिराग जी, चाचा ने सर चिराग जी आपको जो अध्यक्ष बनाया गया था पशुपति पारा जी ने उसी पे सवाल उठा दिया है कि कोई लिखा जो भी प्रस्ताव आता है उनको तो होता है ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है और साथ ही साथ उन्होंने उसके उसके प्रस्तावक कौन थे जब मैं अध्यक्ष बना था तो उसके प्रस्तावक कौन थे? खुद वही थे, उन्होंने ही मेरे नाम को प्रपोज किया था और इसी जगह पर ये बैठक हुई थी, आप सब मौजूद थे और वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग के पास मौजूद हैं, जब जरूरत पड़ेगी सामने रख दिया। चिराग जी, चिराग जी, उन्होंने बात की है पार्टी संविधान में एक व्यक्ति एक पद का है। चिराग जी, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि जेडीयू की प्लानिंग पहले से थी और ये सबके नॉलेज में है, पत्रकारों को भी नॉलेज में है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने ये मन बना लिया था कि क्या करें, आपके भी नॉलेज में था और पशुपति पारस ने जो जो स्टेप लिया वो बकायदा आपने चार पन्नों के लेटर में बता दिया है। आपको नहीं लगता है कि परिवार आगे आगे आपको वक्त रहते एक्शन लेना चाहिए था पशुपति पारस पर? देखिए, अब देखिए जैसा मैंने कहा मेरे संस्कारों में नहीं है, पापा से मैंने इतना धैर्य और सबको साथ लेकर चलने की सोच मैंने उनसे सीखी है, तभी अंतिम अंतिम तक मैंने प्रयास किया। उस दिन जब मैं उनके घर पे भी गया, उस दिन की अगर मैं बात बोलूँ, मैं ईमानदारी से, मैं शारीरिक तौर पर उस मेरी क्षमता उतनी नहीं थी कि मैं जाऊँ और वहाँ पे वो कर सकूँ, बट उसके बावजूद मैंने वो प्रयास किया, मैंने अपनी तरफ से मैंने आखिर तक मैंने कोशिश की। जो आप कदम उठाने की बात कर रही हैं, जैसा मैंने कहा कि चुनाव के दौरान से ही कहीं ना कहीं आभास था, तो पार्टी के इन सांसदों के ऊपर शायद सस्पेंशन की कार्रवाई बहुत पहले हम लोगों को कर देनी चाहिए थी, पर मैंने अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की। जब तक इन लोगों ने सामने से, मैं सही बोलूँ, मैं एक व्यक्तिगत बात मैं ज़रूर बोलूँगा, मेरे पापा का निधन हो गया, पापा अब नहीं है, मेरे छोटे चाचा का भी निधन हो गया। पार्टी में सेकेंड जनरेशन हम लोग हैं, पर पहली जनरेशन में अगर कोई है हम लोग ले, मैं मेरे अपने भाइयों की बात करूँ, वो चाचा ही थे, पापा के बाद में उनमें पापा की छवि देखता था और मुझे विश्वास था कि शायद वो मार्गदर्शन करेंगे, जैसे पापा हम लोग को साथ लेकर चलें वो भी लेकर चलेंगे। मैं अनाज शायद उस दिन नहीं हुआ था जब पापा का निधन हुआ, शायद अब हुआ जब इन्होंने भी मेरा साथ छोड़ा। चिराग जी, क्या नीतीश कुमार को सीधे आप जिम्मेदार मानते हैं आपकी पार्टी में फूट के लिए? और दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी के नेताओं को पूरी तरह से क्लीन चिट देते हैं जो आपकी पार्टी के अंदर हुआ, क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन दूसरी तरफ तो आप जेडीयू के नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नीतीश कुमार, मैं एक बार मैं स्पष्ट कर दूं, जब आप बोलते हैं नीतीश कुमार जी को आप सीधे जिम्मेदार, कहीं ना उसमें मेरे पक्ष को कमजोर आंका जाता है। मैंने चुनाव में भी इस बात को हमेशा कहा कि मेरा नीतीश कुमार जी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, मैं उनके मुद्दों का विरोध करता हूं, मैं उनकी नीतियों का मैं विरोध करता हूं। आज भी मैं इस बात को, मैं कैसे बोलूं कि उनकी सीधी भूमिका है, बट हाँ, जिन नेताओं की सीधी भूमिका है वो उन्हीं के पार्टी के लोग हैं,